हेलो, वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए। तो उस जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत पुलिस पुलिस की और शिक्षकों की एकदम नौकरियों की भरमार आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सच है, आप अपने कानों पर बिल्कुल अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। तो इस न्यूज को मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। देखिए, हुआ क्या था कि जो हिंदुस्तान शिखर समागम हुआ था, उसमें श्री योगी आदित्यनाथ ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया हुआ है जिसमें पुलिस और कर्मियों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बिल्कुल न्यू व्यूअर है, तो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रस्टी पीसीएस, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी जॉब्स के नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ आपके पास तुरंत तुरंत पहुंचते जाए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। पता है, बहुत बेसब्री से इंतजार था इतनी सारी वैकेंसीज का। तो चलिए मैं आपको बता दूं कितनी वैकेंसीज आने वाली है और कब आने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान शिखर समागम 2018 में कहा है कि यूपी में जल्द ही 1,37,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मतलब बम्पर भर्ती 1,37,000। वे लखनऊ में हो रहे शिखर हिंदुस्तान शिखर समागम में सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है, पहले से जो पद खाली है उन्हें भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन पदों की अपेक्षा कम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाई देखो, आवेदन पदों की अपेक्षा कम आ रहे हैं, बहुत सारे आवेदन दीजिए, बहुत सारे पद हैं। सब कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, ये कह रहे हैं कि पद खाली है। तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जॉब्स क्लीन कीजिए, पद खाली उन्हें भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन पदों की अपेक्षा कम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 68,500 शिक्षक नियुक्ति में 1,00,000 भी आवेदन नहीं आ पाए थे। बताइए, इतना कितना ज्यादा हो रहा है। टेस्ट में 40,000 उम्मीदवार भी पास हो पाए हैं। इसके पहले चरण में सरकार 68,500 पदों पर भर्ती निकाल चुकी है। अब सरकार फिर से 68,500 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाल रही है। तो देखिए, शिक्षक भर्ती तो काफी निकल चुकी है, निकाल रही है, और इसमें शिक्षक भर्ती में ये भी हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं। मतलब 1:3 का रेशियो रहा है, केवल 1% ही 3 में से पास हो पा रहे हैं। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जॉब्स गेन कीजिए भाई। पुलिस में भी सरकार को 1,50,000 से अधिक भर्तियां हैं। बताइए, 1,50,000 से अधिक भर्तियां भी आने वाली है। 2013 की चल रही है, 2015 की चल रही है, 2018 का जो भी केस पेंडिंग बना हुआ है वो है। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के 50 साल की उम्र में स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेंगे वह आगे जाएंगे, नहीं तो जो काम नहीं करेंगे उन्हें घर भेजा जाएगा। ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो जो कर्मचारी बूढ़े होते जाते हैं उनसे उतना काम नहीं लिया जाता है, और कुछ लोग काम में इंटरेस्ट भी नहीं रहते। जो यूथ है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो बेरोजगार घूम रहा है, तो उसके लिए भी जॉब्स प्रोवाइड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर यूथ को बेरोजगार ऐसे ही रहता रहे तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और एक बेरोजगारी का जो सिस्टम है वो बढ़ता जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि इस तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल ही आप लोग पढ़ाई में लग जाइए जल्द से जल्द। सितंबर तक, सितंबर फर्स्ट वीक तक आप मान के रखिए कि आप लोगों की वैकेंसी सितंबर सेकंड वीक तक, कि ये लोग वैकेंसी की सारी डिटेल्स आप लोगों को दे देंगे। सितंबर के सेकंड वीक तक ही एसआई की भी वैकेंसीज आने वाली है काफी सारी। तो स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए और हमारे ऑनलाइन क्लासेस, हमारे वीडियोस देखते रहिए। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।